क्यों हुआ 13 आईपीएस का तबादला, अब क्या होगी राजनीति। जी हां, झारखंड की राजनीति को गरमाने के लिए रोज रोज नए मुद्दे तूल पकड़ते ही रहते हैं। वहीं अब झारखंड के 13 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, इसकी अधिसूचना भी अब जारी कर दी गई है। इस पर भी राजनीति होना तो लाजमी ही होगा। हजारीबाग, पाकुड़, लातेहार, गुमला, कोडरमा, गढ़वा, चतरा जिले के एसपी बदले गए हैं। राज्य सरकार ने 7 जिलों के एसपी सहित 13 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गुरुवार की देर रात गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। जिन जिलों के एसपी बदले हैं उनमें हजारीबाग, पाकुड़, लातेहार, गुमला, कोडरमा, गढ़वा एवं चतरा शामिल हैं। अब देखना होगा कि कैसे अब ये मामला तूल पकड़ता है। हालांकि बीते दिनों ही रघुवर दास का बयान सामने आया था कि झारखंड सरकार को दलाल और अपराधी चला रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से आईपीएस का तबादला हमें देखने को मिलता है। पर अब देखना होगा कि आईपीएस के तबादले में राजनीति का क्या बड़ा फेरबदल हमारे सामने आता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।